और बुलेटिन में अब बात होगी किसान आंदोलन 2.0 की। और पहली बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, आज किसानों का दिल्ली कूच का प्लान है और किसानों ने सरकार से आर पार का मूड बना लिया। वार्ता फेल होने के बाद किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। तो ये पहली खबर, किसानों का दिल्ली कूच का प्लान। दूसरी खबर, वार्ता फेल होने के बाद दिल्ली कूच किया जाएगा, यानी कि वार्ता जो चार राउंड की हुई है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो अब दिल्ली कूच की तैयारी। तीसरी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 14,000 किसान जुटे। चौथी खबर, पुलिस से निपटने के लिए किसानों की बड़ी प्लानिंग है। छठवीं खबर हम आपको बता दें, मॉडिफाइड ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी। सातवीं आठवीं खबर, शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीनें लगाई गई हैं और किसानों ने कहा है कि दिल्ली जाना हमारा हक है। नवीं बड़ी खबर, दिल्ली से सभी बॉर्डर पर सुरक्षा खड़ी की गई। दसवीं खबर, प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्रालय बेहद सख्त है। तो ये 10 बड़ी खबर और ये पहली तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये पोकलेन मशीन आप देख रहे हैं और इन तैयारियों के साथ किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये हाइड्रोलिक क्रेन और इसके जरिए दिल्ली में एंटर होने की कोशिश। अब ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को मैं आपको समझाता हूं कि किसान जो अपने 2.0 के आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं, तैयारियों के साथ बढ़ रहे हैं। ये देखिए हाइड्रोलिक क्रेन है, ये दरअसल जो दिल्ली पुलिस की तैयारियां हैं उन तैयारियों को धत्ता बताने के लिए इस तरह की तैयारी के साथ किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए मॉडिफाइड ट्रैक्टर, यहां पर आप देखिए ये ट्रैक्टर मॉडिफाइड है, कैसे उसके आगे शील्ड लगाया गया वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये आप एक और तस्वीर देखिए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर की तस्वीर है। और इसके अलावा आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पर पोकलेन मशीन के साथ किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये किसानों की तैयारी है। ये देखिए एक और तस्वीर, बुलडोजर, बुलडोजर के साथ जो दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने की प्लानिंग की है उसको कैसे ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी इन किसानों की आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। ये पतंग आप देख रहे हैं, किसानों के हाथ में पतंग इसलिए ताकि अगर पुलिस ड्रोन से इनके ऊपर कार्रवाई करे तो उस ड्रोन को इस पतंग से परेशान कर सके, उस ड्रोन को नेस्तनाबूद कर सके। और ये किसान पूरी तैयारियों के साथ हैं। अब देखिए एक और तस्वीर, ये बोरी है किसानों के हाथ में और ये गीले करके बोरी इसलिए ले जा रहे हैं ताकि पुलिस अगर टियर शेल्टर शेल्टिंग करे तो उसके बाद ये बच सके। ये आप देखिए शील्ड की तैयारी, यहां पर इसमें देखिए आपकी कैसे आप दूरबीन लगाया हुआ है और शील्ड के साथ किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो किन तैयारियों के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से दूरबीन के साथ शील्ड तैयार किए ताकि जो पुलिस एक्शन ले इन पर तो ये अपने आप को बचा सके। यहां पर किसानों की जिद इस बात की है कि जो वार्ता फेल हुई है चार राउंड की उसके बाद ये दिल्ली जा सके। अब आपके सामने एक और तस्वीर है, ये देखिए किसान कैसे एक दूसरे को गैस मास्क बांट रहे हैं और ये गैस मास्क इसलिए ताकि पुलिस जब आंसू गैस के गोले दागे तो ये उस गैस मास्क से खुद को बचा सके, उसे निष्क्रिय कर सके, उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर सके। यानी कि तैयारियां पूरी दिखती हैं कि ये किसान जो है वो आगे बढ़े। और कोशिश क्या है, कोशिश है दिल्ली में एंटर होने की। दिल्ली बॉर्डर्स पर भी आप देखिए कि किस तरह से पुलिस ने तैयारी कर ली है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए, आरएएफ के जवान जो है वो पहली पंक्ति में तैनात हो चुके हैं। अब आप इनको देखिए, इनके पास भी गैस मास्क है, अगर इनको देखें तो यहां पर भी इनके पास में भी शील्ड है। तो तैयारियां दिल्ली पुलिस की भी है, तैयारियां दिल्ली प्रशासन की भी है। रैपिड एक्शन फोर्स पहले स्तर पर तैनात है, बैरिकेड्स के बाद रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। और यहां पर आप देखें तो अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये जवान मोर्चा संभालेंगे। अब आपके सामने सात तस्वीरें, एक साथ जरा सात तस्वीरें देखिए और आंदोलनकारियों की तैयारियों को लेकर सात तस्वीरें। मॉडिफाइड ट्रैक्टर, पोकलेन मशीन हो, बुलडोजर हो, हाइड्रोलिक क्रेन हो, पतंग हो, बोरी हो, शील्ड हो, यानी जिस युक्ति के साथ किसान अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहिए तो जिस युक्ति के साथ किसान अपनी जिद को आगे बढ़ा सकते हैं वो तमाम युक्तियां इन किसानों ने की है। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि समझाइश हो, समझाइश ना हो तो बलपूर्वक इन्हें रोका जा सके, जिसकी तस्वीरें भी दिल्ली बॉर्डर से सामने आ रही हैं। जैसे किसानों के दिल्ली कूच पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करीब एक घंटे बाद किसान दिल्ली कूच करेंगे। बड़ी मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं किसान, पुलिस से निपटने की तैयारी के साथ किसान इस बार पहुंचे हैं शंभू बॉर्डर पर। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है, कोशिश है कि दिल्ली के अंदर दाखिल हुआ जा सके। एमएसपी को लेकर जो मांगे की जा रही थी कुछ फसलों को लेकर, सरकार ने कहा कि उस पर एमएसपी हम तय कर देंगे, वहां पर बात नहीं बन पाई। कमेटी का प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया, बातें नहीं बन पाई। और अब किस तरह से किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि अब से तकरीबन 40 मिनट बाद किसान जो है वो दिल्ली कूच करना शुरू कर देंगे। उस वक्त की क्या तस्वीरें होंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब पुलिस ने रोका है
तो अच्छी खासी झड़प की हालात बनते हुए देखे हमने। पुलिस ने कई बार आंसू गैस के गोले भी चलाए। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर हालात क्या है उसे आपको दिखाएंगे और मौके पर मौजूद हमारे सहयोगियों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें किसान इस बार किस तरह की तैयारी करके आए हैं, कैसे उन्होंने खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाली भारी भरकम मशीनरी को हथियार बना लिया है, उनकी इस तैयारी से क्यों पुलिस प्रशासन और केंद्र के हाथ पैर फूल गए हैं, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए पोकलेन मशीन जिसके साथ किसान आए हैं उसकी कीमत जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में। इसका काम क्या है? ये काम करता है कंस्ट्रक्शन का। अब किसान लेकर क्यों आए आपके मन में सवाल होगा, तो ये किसान इसलिए लाए ताकि वो जो पुलिस की तैयारी है उसे नष्ट किया जा सके, तोड़फोड़ इससे की जाए। इसके अलावा किसान जो लेकर आए वो हाइड्रोलिक क्रेन है और इसकी कीमत है 10 लाख से 50 लाख के बीच में। इसका काम क्या है? ये लोड और अनलोड करता है, लेकिन इसको लेकर आया गया ताकि किसान इससे तोड़फोड़ कर सके। अगला हथियार क्या है किसानों का वो जानिए। ये बुलडोजर जिसकी कीमत है 30 लाख से 50 लाख के बीच में। इसका काम क्या है? ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है और कई बार तो आपने उत्तर प्रदेश में इसे डिस्ट्रक्शन करते देखा होगा, लेकिन यहां किसान क्यों लेकर आए? क्योंकि वो तोड़फोड़ करते हैं। अब अगला इनका हथियार क्या है? वैसे तो ट्रैक्टर है इनका अगला हथियार, किसानों का हथियार आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन यहां इसका इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? ये खेती बाड़ी के काम में होता है, लेकिन यहां तोड़फोड़ के लिए इस ट्रैक्टर को लाया गया है, इसे बकायदा मॉडिफाइड करवाया गया है। ट्रैक्टर की जो कीमत होती है वो 5 से 12 लाख के बीच में होती है। तो ऐसे में आप किसानों की मंशा समझिए, वो किसान जो आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इस बीच राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। पंजाब की बहुत जत्थेबंदी है, तो एसकेएम तो फिजिकल रूप से सभी जत्थेबंदी के लोग उसमें आएंगे, यूपी से भी रहेगी, उसके देश भर से लोग उसमें आएंगे। वहां बैठ के एक दिन की मीटिंग होगी और आगे की रणनीति वहां पर बनाएंगे। तो ये राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था पहले चरण वाला, तो उसमें राकेश टिकैत बहुत अग्रणी भूमिका में थे। इस बार भी रणनीति की बात वो लगातार कह रहे हैं, आगे वो क्या कहते हैं आपको सुनाएंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो के हालात के साथ जुड़ गए। हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़ गए मनोज कुमार और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से। पहले मनोज आप ही का रुख करते हैं। आप कहा जा रहा है आपसे 40 मिनट बाद किसान कूच करेंगे, तो जब वो कूच करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस प्रशासन की तैयारियां क्या और उस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल, हम लगातार सुबह से तैयारी दिखा रहे हैं कि किसान किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हैं और अब जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम था और लगातार किसान जो हैं वो इस वक्त शंभू बॉर्डर की तरफ रुक कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर 13 तारीख से करीब 8 दिन हो चुके हैं किसानों के खड़े हुए हैं और अभी भी क्योंकि 2-3 दिन काफी शांत माहौल रहा और कुछ किसान जो थे जो अपने घरों में गए थे वो वापस भी कल से लौटना शुरू हो गए और अभी भी जो किसान है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जो ग्राउंड जीरो है वो यहाँ से कहाँ पर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये दरअसल मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये रोड आता है बनूड से जो कि मोहाली का इलाका है और सीधा आता है पटियाला की तरफ। यहाँ से बाई तरफ दिल्ली की तरफ जो आप एरो देख रहे हैं यहीं पर शंभू बॉर्डर है जहाँ हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर मिलता है। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ जो हरियाणा पुलिस है उसने बैरिकेडिंग की हुई है, बड़ी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और दाहिनी तरफ अमृतसर है, पंजाब है, जहां से किसान आकर यहां पर डटे हुए हैं। और किसानों की जो तैयारी है उसको देखकर लगता है कि यहां पर जो संग्राम है वो भीषण हो सकता है। जो 13 फरवरी को हमने देखा था जब किसान यहां पहुंचे थे और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी तब वो इतनी तैयारी के साथ नहीं आए थे, लेकिन फिर भी जबरदस्त तरीके से पुलिस ने उनको रोका, आंसू गैस के गोलों की बरसात की गई थी। और आज तो किसान तैयारी के साथ हैं, उनके पास पोकलेन मशीनें हैं, जेसीबी हैं, मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं और जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि करीब 14,000 के करीब जो किसान हैं वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 1100 के करीब जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हैं। 3 पोकलेन मशीनें भी यहां पर हैं। तो कुछ ही मिनट बचे हैं और कुछ ही मिनट के बाद बड़े तमाम जो लीडर्स हैं वो भी इस वक्त शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ठीक 11 बजे दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे और फिर से वही एक बार फिर जो तस्वीरें हैं 13 फरवरी आप जो बता रहे हैं मनोज, जिस पर बातचीत हम करते रहेंगे और फिर उसके बाद क्योंकि अगर यहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखा गया तो इम्पैक्ट दिखेगा दिल्ली बॉर्डर पर, तो फिर दिल्ली बॉर्डर पर क्या स्थिति है इसके लिए रुख करेंगे गौरव का। गौरव आपके पास आ रहे हैं लेकिन अपने दर्शकों को कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। किसान प्रदर्शनकारियों का कितना बड़ा रेला है दिल्ली कूच के लिए, ये कितना बड़ा रेला निकला है, मैं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक नंबर बताने की कोशिश करता हूं। देखिए किसानों का दिल्ली कूच बताया जा रहा है 14,000 किसान प्रदर्शनकारी हैं और वो दिल्ली कूच की तैयारी करके बैठे हैं। इसमें 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां तो मॉडिफाइड हैं।
इसमें 300 कारें सम्मिलित है। किसानों के इस आंदोलन में 300 कारें शामिल की गई हैं, 10 मिनी बस जिसमें कि बैठकर किसान जो थे वो यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा 1000 से ज्यादा बाइक्स जो हैं वो किसानों के दिल्ली कूच में इस्तेमाल की जा रही। तो किसान किस तैयारी के साथ आ रहे हैं, ये वो तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पर किसान दिल्ली आएंगे तो जरा सोचिए राजधानी का क्या हाल होगा। इससे पहले भी ये बंधक बना चुके हैं, तो इस बार क्या होने वाला है। हालांकि तैयारी और प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैद है। इधर किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चेकिंग बहुत कड़ी की जा रही है। कई बार किसानों की आड़ में उपद्रवी तत्वों ने अपना उल्लू सीधा किया है और इसीलिए प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है कि इस बार किसी तरह से कोई भी लूपहोल्स ना रह जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली कैसे परेशान होती है बार बार इस तरह के आंदोलनों से, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है मेरठ जाने वाला हाईवे, और यहां पर कैसे बड़ा जाम लग गया। सुबह सुबह के वक्त में आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिस टाइमिंग है, सुबह 9 बजे लोग अपने घरों से निकलते हैं, 8 बजे से अपने घरों से निकलते हैं, और फिर जब उसके बाद वो जब रास्ते पर आए तो देखिए कैसे जाम लग गया। एक तरफ दिल्ली पुलिस का काम है, वो लगातार चेकिंग कर रही है गाड़ियों की, दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह से बड़ा जाम लगा हुआ है। तीसरी तरफ एक वो बड़ा थ्रेट, जिस थ्रेट के साथ किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे। तो सवाल ये है कि आने वाले वक्त में दिल्ली का क्या होने वाला है। हालांकि मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी तरह से कोई लूपहोल्स ना रह जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, जब इस तरह का थ्रेट होता है या इस तरह की कोशिशें होती है कि किसान दिल्ली में कूच करेंगे, हमने देखा पिछले दो चार बार में कि दिल्ली पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, जाम हो जाती है। आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर बुरा हाल है और उन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल है कि जो रोजाना सुबह ऑफिस के लिए जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं। तस्वीर पर सीधा मैं ले चलूंगा, आप देखिए किस तरह का ट्रैफिक जाम। और आप देखिए, चूंकि दिल्ली पुलिस ने एहतियातन रास्ता रोक दिया है, बल्कि किसान जबकि जो है 200 किलोमीटर दूर हैं और उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से, अभी भी अगर आप देखें तो 10:30 बजे का वक्त होने वाला है, अमूमन लोग 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन लोग अभी भी अपने गंतव्य की ओर नहीं पहुंच पाए हैं। मुख्य रास्ता है ये, चाहे उत्तराखंड को जोड़ना हो, मेरठ को जोड़ना हो, मुरादाबाद को जोड़ना हो, अमरोहा को जोड़ना, ये सारे रास्ते जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से ये दिल्ली की तरफ आते हैं। और साथ में इंदिरापुरम और अगर आप बात करें वैशाली और आसपास के जितने नोएडा के इलाके हैं, ये महत्वपूर्ण इलाकों से लोग रोजाना चलकर आते हैं, लोग फंसे हुए हैं। बीच बीच में अगर आप दिखाऊं तो इतनी ज्यादा बैरिकेटिंग हाईवे के ऊपर भी फ्लाईओवर पे की गई है, पूरे जो लोहे के बैरिकेड्स हैं और पोकलेन मशीनें जिनकी बात कही जा रही है, हाइड्रा मशीनें जिनकी बात कही जा रही है, वो मशीनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है यहाँ पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं, तो पूरी तैयारियां यहाँ पर भी। हालांकि यहाँ पर एक भी किसान आपको दिखाई नहीं देगा, और एक दो बार जो कोशिशें हुई 10 से 15 की संख्या में किसान आए और पुलिस उनको डिटेन करके ले गई। अब दिक्कत यही है कि किसान यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है, और अगर वो शंभू बॉर्डर से चलते भी हैं तो उनको दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाएगा बॉर्डर तोड़ने के बाद। उसके बावजूद जो है, चूंकि एहतियातन पुलिस का ये कहना है कि हमें जो है किसानों को रोकना है, उसका खामियाजा लोग लगातार भुगत रहे हैं। अब चाहे किसान आंदोलन कह लीजिए, चाहे पुलिस की तैयारियां कर लीजिए, नुकसान और परेशानियां आम लोगों को ही हो रही हैं और लोग इसको भुगत रहे हैं। और पिछले किसान आंदोलन में भी इसी तरह से जब रास्ता बंद किया गया था तब भी इस तरह की दिक्कतें आई थी। मैं यहां से नीचे की तरफ का रास्ता दिखा देता हूं जो कि गाजीपुर मंडी की तरफ जाता है। यहां पर तो आप देखिए पूरा पक्का स्ट्रक्चर आपको ये ऊपर से बना हुआ नजर आ रहा होगा। इस तरह का पक्का स्ट्रक्चर एक बार बनने के बाद तोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन चूंकि ये पूरा रास्ता ब्लॉक है और बड़ी पूरी गाजीपुर की सब्जी मंडी हो, मुर्गा मंडी हो, सारी मंडियों में हजारों की संख्या में खरीदार आते हैं, ट्रक आते जाते हैं, सारा ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है, बंद होता है। हाँ। सवाल यही है कि लोग कहां से आए जाएं, लोगों के पास हुई है। गौरव, ये इससे पहले दिल्ली देख चुकी है, दिल्ली झेल चुकी है, एक बार फिर से आपका रुख करें। बड़ी खबर, गुरुग्राम में एक बार फिर से भारी जाम लग गया है। अभी जैसा हमारे सहयोगी गौरव बता रहे 200 किलोमीटर दूर है किसान, लेकिन यहां पर उसका असर आप देखिए, गुरुग्राम में एक बार फिर से भारी जाम लग चुका है। और सुबह सुबह ऑफिस आवर्स, ऑफिस की टाइमिंग है, सबको दफ्तर जाने की जल्दी, लेकिन आप देखिए कि कैसे जाम लग चुका है। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कई जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है, कई जगहों पर पुलिस चेकिंग कर रही है, और यही वजह है कि आप देखें कि किस तरह से जाम लग चुका है, ये देखिए। और पहले भी हमने देखा इसी 2.0 के किसान आंदोलन में
हमने ये देखा पहले भी कई बार कि किसानों ने जब जब चेतावनी दी कि हम आगे बढ़ेंगे, तब तब उसका असर इन बॉर्डर्स पर देखने को मिला। और एक बार फिर से देखिए कि कैसे दिल्ली और एनसीआर के इलाके एक बार फिर से ऐसा लग रहा है मानो बंधक होगा। इससे पहले भी हमने देखा कैसे घंटों घंटों गाड़ियां फंसी रहीं, लोग अपने जरूरी कामकाज को नहीं कर पाए, और एक बार फिर से आज वही स्थिति बनती हुई दिख रही है जब चार स्तर की बातचीत मुकम्मल नहीं हो पाई। और उसके बाद अब देखिए कि कैसे जब किसानों ने आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है तो फिर दिल्ली एनसीआर के इलाके इस वक्त ब्लॉक दिख रहे हैं। इधर शंभू बॉर्डर से अभी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर स्थिति क्या है वो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शंभू बॉर्डर सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं पर किसान जो है वो सबसे ज्यादा तैयारियों के साथ पहुंचे हैं। क्या यहां से वो आगे बढ़ पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये। किसान कह रहे हैं हमारा हौसला मजबूत है, हम आगे बढ़ के रहे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस कह रही है, हरियाणा का प्रशासन कह रहा है कि हमारी तैयारी मुस्तैद, हम इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। इन सब के बीच में स्थिति क्या है शंभू बॉर्डर की, जरा देखिए इस रिपोर्ट। हम शंभू बॉर्डर पर हैं जहां किसानों ने आज 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, अगर केंद्र सरकार ने मांगे नहीं मानी या कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसानों ने अपील भी की है कि शांतिपूर्वक उनको दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता दिया जाए। और इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर दिखाएं आपको किस तरीके के हालात हैं। बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर एकजुट है और 11 बजे का इंतजार किया जा रहा है। 11 बजे के बाद जो किसान है आगे के लिए मूव करेंगे। 13 फरवरी से लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, चार दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और एक प्रस्ताव दिया था केंद्र सरकार ने जिसमें करीब 5 जो फसलें हैं दालों की, कपास, मक्का, उनको MSP पर खरीदने के लिए 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई थी लेकिन उसको भी किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है। और अब देखिए यहाँ पर तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें और 11 बजे जब किसान नेता निर्देश देंगे उसके बाद ही आगे किसान बढ़ेंगे। हाथों में झंडे हैं, अलग अलग संगठन हैं किसानों के, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर जो संघर्ष समिति है उसके बैनर तले तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए जो स्पेशल सनग्लासेस हैं वो किसानों को दिए गए हैं। आप देखिए क्योंकि आंसू गैस के गोले बहुत ज्यादा हमने देखा 13 फरवरी को चले थे तो उसको देखते हुए जो सनग्लासेस हैं वो दिए जा रहे हैं। किसान जगह जगह इकट्ठा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुजुर्ग हो, युवा हो, सब किसान यहाँ पर हैं। और यह है वो पॉकलेन मशीन जिसके जरिए किसान आगे बढ़े। तो एक तरफ किसानों के आगे बढ़ने की सुगबुगाहट, दूसरी तरफ किसान नेताओं की तरफ से आ रहे रिएक्शन। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने बड़ा बयान दिया, वो कह रहे हैं कि किसान युवा मार्च में आगे नहीं बढ़ेंगे। बड़ी बात कही है सरवन सिंह पंडेर ने। तो क्या आज जिस इंटेंशन के साथ किसान शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए, बड़े पैमाने पर जिस तैयारी के साथ आए, क्या पंडेर की इस बात के बाद किसान रुक जाएंगे शंभू बॉर्डर पर? किसान नेता मार्च को लीड करेंगे, सरवन सिंह पंडेर ने ये बातें कही और क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। कोई युवा कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा, लीडर बढ़े जाएंगे, आगे जाएंगे, सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से झंडे, सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। BSF पंजाब में भी घुसाई गई, हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें, आप कहें कि MSP का गारंटी कानून बनाएंगे। और अगली बड़ी खबर, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, इन सब के बीच में राकेश टिकैत का रिएक्शन। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। कल चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आगे की रणनीति राकेश टिकैत तय करने की बात कह रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी, दूसरी तरफ यहां बैठकों के शुरू होने की भी बात राकेश टिकैत कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। स्टेट की जो समस्या होगी वो भी अपने ज्ञापन में लोग देंगे और एक भारत सरकार को, क्योंकि दोनों जगह की समस्या है, तो अब अपना वो लिखेंगे DM के माध्यम से वो हर स्टेट के मुख्यमंत्री को, और भारत सरकार का ज्ञापन राष्ट्रपति को जाएगा। तो ये करीब 11-12 बजे से शुरू होकर ये 2-3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेंगे। क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगे इस ज्ञापन? देखो मुख्य मांगे अगर केंद्र सरकार की बात करें तो एक बड़ा इशू है MSP गारंटी का।
बिजली अमेंडमेंट बिल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, और सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी पे अगर गारंटी नहीं मिलती तो किसान को नुकसान होगा, पूरे देश के किसान को नुकसान होगा। उस पर कानून बन जाए जो सरकार को खरीद करनी सरकार खरीद कर ले, लेकिन व्यापारी प्लेयर जो आ रहा है प्राइवेट प्लेयर वो सस्ते में खरीद ना करें, इसके लिए बड़े आंदोलन देश भर में चल रहे हैं और ये मूवमेंट और आगे बढ़ेगा। और प्रदर्शनकारियों के कूच को लेकर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को अलर्ट किया है, कहा है कि इसकी आड़ में उपद्रव मचाने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी खुफिया जानकारी मैं आपको बताता हूं कि वो जानकारी क्या है, क्या हो सकता है, जरा समझिए। पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने अलर्ट किया, सार्वजनिक संपत्ति और आम लोगों को निशाना बना सकते हैं उपद्रवी, ये बड़ी बात कही गई है। पंजाब पुलिस को अलर्ट किया गया है, पुलिस को रोकने के लिए महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों को ढाल बना सकते हैं कुछ लोग, इस बात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों को 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक दिया जाए, ये हिदायतें हैं हरियाणा पुलिस की पंजाब पुलिस को, इसके लिए चिट्ठी लिखी गई बाकायदा। बैरिकेड्स हटाने से महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को चोट आने का भी जोखिम है, तो उन्हें आगे हो सकता है कि किया जाए। बैरिकेड हटाने की कोशिश हुई तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे, यह हरियाणा पुलिस साफ कर चुकी है अपनी चिट्ठी में। और ऐसे में इस खुफिया अलर्ट के बाद पंजाब पुलिस का क्या एक्शन होता है, हालांकि इसको लेकर सवाल भी पूछे गए कि शंभू बॉर्डर तक पहुंच गए अगर किसान तो पंजाब पुलिस उस वक्त कर क्या रहे, इसको लेकर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आए। लेकिन इस वक्त जो अलर्ट दिया गया हरियाणा पुलिस की ओर से ये बहुत ज्यादा गंभीर है, कहा जा रहा है कि महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों को आगे किया जा सकता है और उनको ढाल बनाकर प्रदर्शनकारी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब पुलिस की मजबूरी समझिए, पुलिस को आदेश है कि वो रोके इन किसानों को बॉर्डर पर, दिल्ली या हरियाणा जाम ना होने दिया जाए, तो ऐसे में उन्हें मजबूरन एक्शन लेना होगा और एक्शन अगर लिया तो फिर सबसे ज्यादा हताहत कौन होगा, सोचिए जरा। तो इस प्लानिंग के साथ, जैसा कि अंदर खाने से जानकारी मिल रही है, इसी प्लानिंग के साथ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं।